हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है कुशल रभा। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मेक और डू में क्या फर्क है, यानी किस कंडीशन में हमें मेक और डू का यूज करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, मेक और डू का कंसेप्ट समझें। बहुत दिलचस्प लेसन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डू का यूज देखेंगे, उसके बाद हम मेक का कंसेप्ट समझेंगे। फर्स्ट, डू इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट वर्क, जॉब और टास्क। डू का यूज हम तब करते हैं जब हम बात वर्क, जॉब या टास्क की करें। आप ये बात याद रखेंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। डू से कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होता, यानी किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है। आइए इस बात को एग्जांपल में देखें। Have you done your work? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? तो यहां हमने डू का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहां बात काम की हो रही है। I would like to do that job. मैं वह काम करना पसंद करूंगा। हमने यह वर्ड डू का यूज किया क्योंकि हम किसी जॉब को करने की बात कर रहे हैं। आइए डू का अगला यूज देखते हैं। Do is used when we refer to activities in general without being specific. Friends, do का use हम तब करते हैं जब हम किसी general activities की बात करें, यानी जब वह काम specific ना हो तो हम do का use करते हैं। In this case, we normally use word like thing, something, nothing, anything, everything, etc. और इस केस में जो आमतौर पर हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग। चलिए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, यहाँ सिर्फ खड़े ना हो। डू समथिंग, कुछ करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ कौन सा काम करना है ये बात स्पेसिफिक नहीं है, बट ये है कि कुछ करो। तो हम डू का यूज तब करते हैं जब वह काम स्पेसिफिक ना हो बल्कि जनरल एक्टिविटीज हो। सी डज नथिंग, वह कुछ नहीं करती है, यानी यहाँ वर्ड डू का यूज एक जनरल एक्टिविटीज में हुई है। दे विल डू एवरीथिंग, वे सब कुछ करेंगे। अब क्या क्या करेंगे ये बात स्पेसिफिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई। हम डू का यूज जनरल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, यानी जब वो काम कोई स्पेसिफिक ना हो तो हम डू का यूज करते हैं, और इस कंडीशन में वर्ड थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग होती है। वी समटाइम्स यूज डू टू रिप्लेस अ वर्ब व्हेन द मीनिंग इज क्लियर और ऑब्वियस। फ्रेंड्स, कई बार डू का यूज किसी वर्ब की जगह करते हैं, यानी एक वर्ब को रिप्लेस करके डू का यूज करते हैं, और ऐसा तब करते हैं जब वह वर्ब पहले से पता हो या जाहिर हो। और फ्रेंड्स, दिस इज मोर कॉमन इन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश, और ये बात इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में बहुत आम है, या ऐसा आम तौर पर किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं। डू आई नीड टू डू माई हेयर। फ्रेंड्स, यहां मैंने लिखा है डू माई हेयर, और इसका मतलब हुआ क्या मुझे अपने बालों को झाड़ने की जरूरत है, यानी यहाँ डू माई हेयर मीन्स ब्रश माई हेयर। यहाँ डू का यूज ब्रश या कोम से है, यानी अगर हम कहें डू माई हेयर इसका मतलब ब्रश माई हेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड ब्रश को रिप्लेस करके डू आया है। क्यों? जब काम पता होता है या कौन सा काम है ये बात जाहिर होती है तो हम वहां पर डू का यूज करते हैं उस वर्ब को रिप्लेस करके। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है Have you done your dishes? क्या तुमने अपने बर्तन धुल लिए हैं, या क्या तुमने अपने बर्तन साफ कर लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड डन आया है। डन योर डिशेज मीन्स वॉश्ड योर डिशेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने सीखा कि यहाँ पर वर्ड डन वॉश्ड को रिप्लेस करके आया हुआ है। आइए फ्रेंड्स, डू का लास्ट यूज देखते हैं। रिमेंबर, Do can also be an auxiliary verb for making questions in present tense. Example के लिए, Do you like chocolate? तो friends, do का use हम present tense में question करने के लिए भी करते हैं। जैसे,
क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कि डू का यूज प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करने के लिए भी किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं कि मेक का क्या यूज है, यानी हम किस कंडीशन में मेक का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, मेक का यूज प्रोडक्ट, मटेरियल या ऑरिजिन के लिए करते हैं। जैसे मेक इज यूज टू इंडिकेट द ऑरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट और द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक समथिंग। फ्रेंड्स, हम मेक का यूज तब करते हैं जब हमको बताना हो कि कोई प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है या उसके बनने का जो जरिया है यानी जो स्रोत है या ऑरिजिन है वो क्या है। जैसे हिज वेडिंग रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसका जो शादी का रिंग है वो सोने का बना हुआ है। तो यहां हमने मेड का यूज किया ताकि हम बता सके कि ये जो रिंग है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। द हाउस इज मेड ऑफ अडोब, यह घर ईंट से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहां हमने मेड का यूज किया क्यों? क्योंकि हमको बताना है कि ये जो घर बनी हुई है इसका मटेरियल क्या है या इसका जरिया क्या है। वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, शराब अंगूर से बनता है। यहां मेड का यूज हुआ ताकि आप समझ सकें कि ये शराब बनने का जो जरिया है या ऑरिजिन है वो है ग्रेप्स। तो फ्रेंड्स, मेक का यूज हम तब करते हैं जब हमको बताना हो कि कोई प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है या किस जरिए से बना है, किस ऑरिजिन से बना हुआ है। आइए फ्रेंड्स, मेक का दूसरा यूज देखते हैं। वी यूज मेक फॉर सर्टेन नाउंस अबाउट प्लान एंड डिसीजंस। फ्रेंड्स, हम मेक का यूज प्लान और डिसीजन के लिए करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम मेक का यूज तब करते हैं जब हम किसी काम को प्लान करें या किसी काम की होने का डिसीजन लें। जैसे ही हैज मेड अरेंजमेंट्स टू फिनिश द वर्क इजली, उसने अपने काम को आसानी से खत्म करने के लिए एक अरेंजमेंट किया। तो फ्रेंड्स, यहां हम वर्ड मेड का यूज किए क्यों? क्योंकि वर्ड मेक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम को प्लान करते हैं। You need to make decision right now. आपको अभी कोई decision लेने की जरूरत है। तो friends, यहाँ यूज हुआ make decision। तो friends, आप ये बात याद रखेंगे कि जब हम किसी काम को plan कर रहे हैं या जब हमें कोई decision लेना हो तो हम make का यूज करते हैं। We use make for producing an action or reaction. हम word make का यूज किसी एक्शन या रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। जैसे यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश कर दिया। तो फ्रेंड्स, यह वर्ड मेड से किसी रिएक्शन का पता चला कि कुछ होने के बाद कुछ हुआ, यानी तुमने मुझे कुछ कहकर खुश कर दिया। ऑनियन मेक योर आईज वाटर, प्याज से तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यह मेक का यूज किसी रिएक्शन को बता रहा कि ऐसा करने से तुम्हें ऐसा होता है। तो हम मेक का यूज किसी एक्शन या रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स, मेक का अगला यूज देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, मेक का लास्ट यूज देखते हैं। फ्रेंड्स, स्पीकिंग एंड साउंड्स। वी यूज मेक विद नाउंस अबाउट स्पीकिंग एंड सर्टेन साउंड्स। फ्रेंड्स, कई बार हम वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग यानी कोई बोली या सर्टेन नाउंस के साथ करते हैं। जैसे शी मेड अ नाइस कमेंट अबाउट माई ड्रेस, यहां वर्ड मेड का यूज स्पीकिंग के लिए आया हुआ है कि उसने हमारे ड्रेस के बारे में अच्छा कमेंट कही या अच्छा कमेंट बोली। प्लीज मेक अ कॉल, यहां वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग के लिए आया हुआ है। डोंट मेक एनी नॉइज हियर, यहां कोई भी शोरगुल मत करो। तो फ्रेंड्स, यहां वर्ड मेक का यूज किसी साउंड के लिए आया हुआ है। कई बार हम वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग या सर्टेन साउंड्स के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको डू और मेक का यूज समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।